नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जून दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 36 जिलों में संचालित होंगे कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय। अवैध बालू कारोबारियों को लेकर एक्शन में बिहार पुलिस। 30 जून तक निपटा ले ये जरूरी काम। जैविक खेती भी स्टार्टअप में शामिल। WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया की तैयारियां जोरों शोरों से। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में 687 पोस्ट पर हो रही भर्ती। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से विभिन्न पदों के अंतर्गत 687 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पदानुसार अलग अलग योग्यता एवं मापदंड निर्धारित की गई है। बता दें कि इस भर्ती में पदों के अनुसार इंटरमीडिएट सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, स्नातक, ITI सर्टिफिकेट, MBA, CA, CS आदि करने के साथ पदानुसार टाइपिंग ज्ञान एवं काम करने का अनुभव होना चाहिए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख ले। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए DDA की ऑफिशियल वेबसाइट DDA.gov.in पर जाकर 2 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। 36 जिलों में संचालित होंगे कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री अनीता देवी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालयों की योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी, लेकिन 3 साल पूरे होने के बाद भी अब तक राज्य के केवल 11 जिलों में ही इस विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसको देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है कि नए सत्र से राज्य के सभी जिलों में कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय की शुरुआत की जाएगी। मालूम हो कि पहले विद्यालय खोलने की योजना अपने भवन में थी, लेकिन अब विद्यालय की व्यवस्था किराए के भवन में की जाएगी। ऐसे में इस वर्ष पूरे बिहार में आवासीय विद्यालयों को संचालित किया जाएगा, जिसमें क्लास 6 की छात्राओं का एडमिशन लिया जाएगा। और अगर इसका संचालन सही ढंग से हो जाता है और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं तो अगले वर्ष से दूसरी कक्षा में भी एडमिशन लिया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रामेश्वर सिंह कश्यप के बारे में। रामेश्वर सिंह कश्यप पटना विश्वविद्यालय में भोजपुरी नाटककार, पटकथा लेखक और हिंदी के प्रोफेसर थे। उन्हें उनके भोजपुरी नाटक लोहा सिंह के लिए जाना जाता है, जिसे 1970 के दशक में रेडियो पर अपार लोकप्रियता मिली थी। एक लेखक के रूप में उनका करियर 1942 में शुरू हुआ। उनकी पहली हिंदी रचना पटना में मासिक पत्रिका किशोर में प्रकाशित हुई थी। बाद में उन्हें भोजपुरी नाटक लोहा सिंह जैसे लेखन के लिए लोकप्रियता मिली। 1960 के दशक में उनकी भोजपुरी लघु कथा माछरी साप्ताहिक पत्रिका अंजोर के अप्रैल संस्करण में प्रकाशित हुई है। उन्हें 1991 में साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने नाटक पर आधारित फिल्म लोहा सिंह में लोहा सिंह के रूप में अभिनय किया। अवैध बालू कारोबारियों को लेकर एक्शन में बिहार पुलिस। बिहार में दिन प्रतिदिन अवैध बालू कारोबारियों के बढ़ते मामले को देखते हुए इन पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अवैध बालू कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस के द्वारा 8 जिलों में बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल से बिहार के 6 जिलों में बिहार पुलिस के द्वारा एक विशेष पुलिस बल दिया गया है, जिनमें बिहार की राजधानी पटना, भोजपुर, रोहतास, सारण, वैशाली और कैमूर जिला शामिल है। कहा कि 9 मई से 27 मई के बीच 8 जिलों में से कुल 1712 FIR और छापेमारी की गई है। वहीं 317 मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसके अलावा 368 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 1010 वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं करीब 40 लाख बालू CFT जब्त किया गया है। प्रदेश के 10 स्टेशनों पर लगेंगे ट्रेनों में ब्रेक बाइंडिंग रोकने को लेकर एक्सल हॉट व्हील डिटेक्टर। ट्रेनों में ब्रेक बाइंडिंग को रोका जा सके इसके लिए बिहार के गया सहित 10 रेलवे स्टेशनों पर एक्सल हॉट व्हील डिटेक्टर इंस्टॉल किए जाएंगे। बता दें कि इसके लिए हर स्तर पर कामकाज शुरू किया जाएगा। वहीं आगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही डिवाइस लगाने के काम की भी शुरुआत कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस डिवाइस के लगने से 1 मिनट के अंदर गाड़ी के प्रकार, गति, चक्कों और एक्सल के तापमान में अंतर आदि का डाटा स्टोर कर लिया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर एक्सल हॉट व्हील डिटेक्टर में अंकित मोबाइल पर अलर्ट जारी हो जाएगा। इस संबंध में हाजीपुर के CPRO वीरेंद्र कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस डिवाइस को लगाने के लिए रेलवे के द्वारा अपने महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन के साथ साथ ट्रेनों के पास सर्वे करेगा और फिर डिवाइस लगाने का काम शुरू करेगा। 18 विभागों की 2500 करोड़ की योजनाओं का CM नीतीश ने किया शुभारंभ।
बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अन्य मार्ग में 18 विभागों के 2500 करोड़ से अधिक की लागत का कुल 189 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बता दें कि इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद रहे। मालूम हो कि सीएम नीतीश के द्वारा 1340.46 करोड़ रुपए की लागत से 189 योजनाओं में से 106 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, तो वहीं 1189 करोड़ की लागत से 83 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम के भवन निर्माण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साइट्स पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन हुए इस कार्यक्रम में अन्य कई विभागों के मंत्री और सचिव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि जो भी काम करिए उसको फिर से मेंटेन करिए। कोई भी चीज बने, चाहे सड़क हो या पुल, भवन बने, उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। सरकारी भवनों पर सोलर लगाइए, क्योंकि समय के साथ बिजली तो खत्म हो जाएगी। हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, बिल्डिंग निर्माण के काम में तेजी लाइए। बिहार बोर्ड के परीक्षा पैटर्न को अपनाएंगे 12 राज्य। बहुत जल्द बिहार बोर्ड के परीक्षा पैटर्न को देश के अन्य 12 राज्यों के बोर्ड के द्वारा भी अपनाया जाएगा। बता दें कि इसके लिए लगातार राज्यों के बोर्ड के द्वारा बिहार बोर्ड से संपर्क किया जा रहा है और यह जानकारी ली जा रही है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड का त्रुटि रहे रिजल्ट कैसे प्राप्त हो, परीक्षा कदाचार मुक्त कैसे हो समेत कई जानकारी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के जिन 12 राज्यों के बोर्ड के द्वारा बिहार बोर्ड से संपर्क किया जा रहा है, उनमें देश का सबसे बड़ा बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड समेत उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल बोर्ड आदि समेत 12 राज्य के नाम शामिल है। मालूम हो कि बिहार बोर्ड के परिणाम में पिछले कुछ सालों से शून्य त्रुटियां रहती हैं। इसी को देखते हुए अन्य राज्यों के द्वारा भी बिहार बोर्ड के पैटर्न की जानकारी ली गई है। जनता के दरबार में सीएम नीतीश ने 73 लोगों की सुनी समस्याएं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 4 देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 73 समस्याओं को सुना गया और उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश के सामने पश्चिम चंपारण से एक फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया और कहा कि उसके परिवार के एक आदमी को साजिश के तहत मार दिया गया। केस भी दर्ज है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं से जिले से आए दूसरे फरियादी ने कहा कि उसके निजी जमीन पर कुछ दबंगों के द्वारा कब्जा कर कचरा फेंका जा रहा है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से गुहार लगाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नवादा जिले से आए फरियादी ने बताया कि उसके पिता गृह रक्षा वाहिनी में कार्यरत थे और उनका देहांत हो गया। उसके बाद परिवार को वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही जो उनको मिलनी चाहिए, जिससे उनका पूरा परिवार आर्थिक तंगी से झेल रहा है। औरंगाबाद से आई एक महिला ने बताया कि वर्ष 2014 में उसकी शादी हुई थी और फिर उससे दहेज के रूप में स्कॉर्पियो की मांग की जा रही थी, जो पूरा न करने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। बता दें कि इस तरह की कई फरियाद सीएम नीतीश के सामने की गई, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कार्रवाई करने को कहा। जैविक खेती में स्टार्टअप में शामिल। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा 4th कृषि रोड मैप में पहली बार प्रावधान करते हुए जैविक खेती से संबंधित स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को बिना ब्याज के इंक्यूबेशन संस्थानों के अनुशंसा पर 10 साल के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक ऋण के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। वहीं अगर कोई भी व्यक्ति बिहार राज्य जैविक मिशन के नवाचार से संबंधित किसी भी पहल में शामिल होना चाहता है तो उसे 2 लाख रुपए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप को 50,000 अधिक रुपए यानी कि कुल 10.5 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति की महिलाओं को 11 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो परामर्श, प्रशिक्षण और विपणन के लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। बिहार के आईटीआई में अब रोबोट, ड्रोन, 3D विषयों की होगी पढ़ाई। बिहार के आईटीआई में बहुत जल्द ही रोबोट, ड्रोन, 3D, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई आधुनिक विषयों की पढ़ाई शुरू होने वाली है। मालूम हो कि आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की कार्रवाई हो रही है। छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं से प्रशिक्षित करने के लिए श्रम संसाधन विभाग ने कुल 149 सरकारी आईटीआई में से पहले चरण में 60 का चयन किया गया है, जिनमें से राज्य के 20 आईटीआई में आधुनिक कोर्स की पढ़ाई और प्रशिक्षण शुरू करने के लिए लैब बनकर तैयार हो गए हैं। वहीं बाकी बचे 40 आईटीआई में लैब बनने का काम अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरे चरण का काम अगले साल तक पूरा होने का उम्मीद किया जा रहा है। मालूम हो कि लैब के तैयार होते ही आईटीआई में 23 नए तकनीक के उन्नत व्यापार पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान की जाएगी। बता दें कि इस परियोजना में 4,606 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे अशोक स्तंभ रामपुरवा के बारे में। अशोक स्तंभ रामपुरवा पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर आपको 2 अशोक स्तंभ देखने के लिए मिलते हैं। इन अशोक स्तंभ के ऊपरी सिरे पर एक स्तंभ पर वृषभ और दूसरे में सिंह की आकृति बनी हुई थी, जो अब टूट कर गिर गई है। यह विश्व में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सम्राट अशोक ने 2 स्तंभ स्थापित कराए थे। इस जगह के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने राजश्री वस्त्र त्याग कर मुंडन करवाया था और सत्य की खोज के लिए निकल गए थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भगवान बुद्ध की याद में यहाँ पर 2 स्तंभों का निर्माण करवाया था। यहाँ पर आपको टूटे हुए स्तंभ देखने के लिए मिल जाते हैं। यह जगह पश्चिमी चंपारण जिले में गौनाहा प्रखंड के अंतर्गत आती है।
बिहार के सासाराम में कब्र के अंदर से मिली शराब। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन अवैध शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के सासाराम के दरीगांव थाना इलाके का है, जहां कब्र से शराब की बोतलें मिली है। दरअसल सासाराम दरीगांव रोड में अलावल खां का मकबरे के परिसर में जब कुछ लोग शव दफनाने आए तो उनकी नजर टूटे कब्र पर पड़ी। वहीं जब नजदीक जाकर देखा गया तो उस कब्र में एक बोरा पाया गया जिसमें देशी शराब के पाउच रखे हुए थे। जिसके बाद इस मामले से आक्रोशित लोगों के द्वारा इस घटना की जानकारी दरीगांव थाना को दी गई। वहीं जब मिले सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा वहां छानबीन की गई तो आसपास खाली पाउच भी पाए गए। इससे की आशंका जताई जा रही है कि यहां न केवल शराब को छुपाया गया है बल्कि पीने का भी काम किया गया है। बता दें कि परिसर से लगभग 25 लीटर शराब बरामद किया गया है। वहीं फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। बिहार के स्कूलों में पढ़ रहे नकली छात्रों का आधार कार्ड से खुलड़ाज। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से बिहार के स्कूलों में पढ़ रहे राज्य के 1.60 करोड़ बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनका राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों के द्वारा UDAS पोर्टल पर आधार नंबर नहीं भरा गया है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्कूलों में नकली नामांकित बच्चों को चिन्हित किया जा सके इसके लिए स्कूलों से UDAS पोर्टल पर बच्चों का आंकड़ा मांगा गया था। बता दें कि हर जिले में नामांकन की तुलना में स्कूलों के द्वारा 80 से 90 बच्चों का आधार नंबर नहीं दिया गया है, जिसको लेकर स्कूल को नोटिस भेज दिया गया और 10 जून तक का समय दिया गया है। वही जिला शिक्षा कार्यालय को भी विभाग की ओर से 30 जून तक का समय दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन बच्चों के आधार नंबर को UDAS पोर्टल पर नहीं भरा गया है उन्हें यूनिक आईडी नंबर नहीं मिलेगा और साथ ही 10 जून तक छात्रों का आंकड़ा नहीं मिलने पर स्कूलों को UDAS नंबर रद्द कर दिया जाएगा। राज्य के कई जिलों में लू का अलर्ट। बिहार में तपती गर्मी और लू से राहत के आसार नहीं है। अगले 5 दिनों तक मौसम में खास बदलाव के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जून तक ऐसी ही स्थिति रह सकती है। IMD के अधिकारी पीयूष सिंह ने बताया कि राज्य के 12 जिले भीषण गर्मी की चपेट में है। अगले कुछ दिन मौसम में खास बदलाव के आसार भी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि राजधानी पटना हो या फिर सूबे का दूसरा जिला, चिलचिलाती गर्मी अभी सताएगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों में चिलचिलाती गर्मी के साथ लू का अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, सुपौल, कटिहार, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, जमुई, बांका और शेखपुरा में 8 जून तक तेज लू चलने की संभावना है। स्मृति वन गया में पूर्वजों के सम्मान में रोप सकेंगे पौधे। बीते दिन विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग के द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब लोग बिहार के गया में स्थित ब्रह्मा वन में करीब 3 एकड़ के दायरे में फैले स्मृति वन में पूर्वजों की याद में सैकड़ों पौधे लगाए गए। बता दें कि लगाए गए इस पौधे के पास उनका पूरा एड्रेस वहां पर नेम प्लेट लगाकर लिखा गया, ताकि इस तरह लोग अपने पूर्वजों को भी याद रख सकेंगे। बता दें कि इस बारे में गया DFO राजीव रंजन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसमें लोग अपने पितरों के पूरे डिटेल दे सकते हैं, जिसके आधार पर शिलापट बनवाकर पेड़ लगाए जाएंगे। सरकार की ओर से शुल्क निर्धारित होगी। वहीं वन विभाग के रिटायर्ड पदाधिकारी संजीव पांडे के द्वारा कहा गया कि स्मृति वन में हम अपने पूर्वजों और स्वजनों के जन्मदिन आदि के मौके पर भी पौधे लगा सकते हैं। गया के वन विभाग की भूमिका सराहनीय है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली का शिक्षा मंत्री ने किया समर्थन। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा बक्सर में जिला अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली का समर्थन करते हुए कहा गया कि जो शिक्षक इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं उन्होंने असल में इसे पढ़ा ही नहीं है, असली शिक्षक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियमावली रोजगार देने वाली नियमावली है, इसी के तहत शिक्षकों की बहाली का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में जो इस नियमावली का समझ लेंगे वो इसका विरोध नहीं करेंगे। लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि आखिर किस वजह से नई नियमावली लानी पड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली को मंजूरी मिली है तब से लगातार शिक्षकों के द्वारा इस नियमावली का और सरकार का विरोध किया जा रहा है। 30 जून तक निपटा ले ये जरूरी काम। अगर आप भी बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना चाहते हैं तो आपको 30 जून तक कुछ कामों का निपटारा करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई वित्तीय नुकसान ना हो। बता दें कि जरूरी काम में आपको 30 जून तक आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराना होगा, ताकि आपका पैन कार्ड निरस्त ना हो। इसके साथ ही आप 14 जून तक UIDAI के द्वारा दिए गए सुविधा के तहत अपना आधार कार्ड माई आधार पोर्टल पर जाकर फ्री में अपडेट करा सकते हैं। वहीं वैसे लोग ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास EPFO की ओर से 26 जून 2023 तक का लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगर आपकी टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है तो आप एडवांस टैक्स पेमेंट 4 किस्तों के तहत पहली किस्त का भुगतान 15 जून 2023 तक कर सकते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने से चूकता है तो उसे पहले 3 किस्तों पर 3% और आखिर किस्त पर 1% के हिसाब से कुल एडवांस टैक्स की राशि पर ब्याज देना होगा।
प्रदेश के वकील जुड़ेंगे बीमा व मेडिक्लेम योजना से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा और बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा राज्य के तमाम वकीलों को बीमा व मेडिक्लेम से जोड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। बता दें कि इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा और बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा सभी वकील संघों से अपने वकील सदस्यों के पूरे विवरण को जल्द से जल्द भेजने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि यह निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मालूम हो कि वकीलों का पूर्ण विवरण प्राप्त होने के बाद वकीलों को योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा। बता दें कि अध्यक्ष के द्वारा केंद्र सरकार से वकीलों को लाभकारी योजना से जोड़ने का आग्रह किया गया था। एनआईआरएफ रैंकिंग में बिहार के सक्षम संस्थानों का यह हाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 में बिहार के कई कॉलेज ऐसे हैं जिसने टॉप 100 में अपनी जगह बना ली है। बता दें कि बिहार के जिन कॉलेजों ने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है उनमें भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची में आईआईटी पटना 41वें स्थान पर है। वहीं एनआईटी पटना 56वें स्थान पर। इसके अलावा आर्किटेक्चर में एनआईटी पटना 19वें स्थान पर है। मैनेजमेंट की रैंकिंग में आईआईएम बोधगया 53वें स्थान पर। फार्मेसी की सूची में एनआईपीईआर हाजीपुर पूरे देश भर में 44वें स्थान पर। मेडिकल कॉलेज में एम्स पटना 27वें स्थान पर और कृषि विश्वविद्यालय की श्रेणी में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय 33वें स्थान पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई है जो कि संस्थानों के टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस आदि के आधार पर की गई है। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर लगाए गंभीर आरोप। सुल्तानगंज खगड़िया के लिए गंगा नदी पर 1,710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल के टूट जाने पर बिहार की राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि पुल के ध्वस्त होने के पीछे का जिम्मेदार कौन है। 2014 में उन्होंने खुद आधारशिला रखी थी, ठेकेदार का भी चयन भी उन्होंने खुद ही किया था। एक साल पहले अप्रैल 2022 में जब पहली बार पुल गिरा था तो आईआईटी रुड़की ने रिपोर्ट सौंपी थी और कमियां बताई थी, तो इस पर यह सवाल उठता है कि निर्माण कार्य चालू कैसे कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार पर सीधा आरोप लगाता हूं कि उनकी देखरेख में भ्रष्टाचार किया गया है। क्या यही उनका विकास मॉडल? इसकी जाँच पटना हाईकोर्ट के सिटिंग जज या सीबीआई से कराई जाए। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के आवास पर ईडी की छापेमारी। बीते दिन सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा बिहार में जेडीयू के विधान पार्षद राधाचरण सेठ के बिहार की राजधानी पटना में मौजूद आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार राधाचरण सेठ के कुल 24 ठिकानों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई है जो कि देश के अन्य राज्यों में स्थित है। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जब यह राधाचरण सेठ के आवास पर छापेमारी की गई हो। इससे पहले भी फरवरी में उनके आवास पर छापेमारी की जा चुकी है। इस दौरान आयकर विभाग के द्वारा 200 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का खुलासा किया गया था। हालांकि कल की गई इस छापेमारी पर आधिकारिक तौर पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। डब्ल्यूडीसी फाइनल के लिए टीम इंडिया की तैयारियां जोरों शोरों से। 7 जून से शुरू होने वाले डब्ल्यूडीसी फाइनल को लेकर टीम इंडिया की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मालूम हो कि पहले तेज गेंदबाज उमेश यादव के फिटनेस पर संदेह बना हुआ था, लेकिन द्रविड़ के द्वारा काफी देर तक उनसे बल्लेबाजी कराने के बाद यह संदेह खत्म हो चुका है। बता दें कि 2021 में तेज गेंदबाज शमी और बुमराह ने लॉर्ड्स में धमाकेदार पारी खेलकर भारत को कठिन परिस्थितियों में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट में जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार भारतीय टीम में बुमराह तो नहीं है, लेकिन टीम प्रबंधन चाहता है कि अगर निचले क्रम को बल्लेबाजी करनी पड़ी तो उमेश उस पर खड़े उतरे। इसी को देखते हुए निचले क्रम को भी बल्लेबाजी के लिए तैयार किया जा रहा है। मालूम हो कि उमेश यादव को द्रविड़ के द्वारा चौथे नेट पर ही बल्लेबाजी के लिए उतारा गया और आधे घंटे से ज्यादा बल्लेबाजी कराई गई। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। शिवाजी महाराज का 1674 में रायगढ़ के किले में राज्यभिषेक और साथ ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। बिहार की बागमती नदी में 1981 को एक ट्रेन गिर गई जिससे उसमें सवार 1000 लोगों में से करीब 800 की मौत हो गई। बैंकॉक में भारत बांग्लादेश श्रीलंका एवं थाईलैंड ने 1997 में बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया। भारत की पहली जोड़ी लियंडर पेस तथा महेश भूपति ने टेनिस का ग्रैंड स्लैम 1999 में जीता। ईरान गैस पाइप लाइन योजना पर 2005 में भारत और पाकिस्तान में सहमति बनी। हिंदी भाषा के साहित्यकार गिरिधर शर्मा नवरत्न का जन्म 1881 में हुआ। हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण का जन्म 1919 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध एथलीट गुरबचन सिंह रंधावा का जन्म 1939 में हुआ। आज के दिन को घल्लूघाड़ा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
बालकर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फर्जी वीडियो शेयर किया जा रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि शेयर किया जा रहा वीडियो मॉर्फिड है। सही वीडियो 22 जुलाई 2019 का है जिसमें प्रधानमंत्री चंद्रयान 2 लॉन्च का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। व्हाट्सएप पर बहुत जल्द आ रहा यह नया फीचर। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। WA बीटा इन्फो ने खुलासा किया है कि लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप कुछ बीटा टेस्टर्स के ग्रुप चैट में प्रोफाइल आइकन जोड़ने के लिए फीचर रोल आउट कर रहा है। इस फीचर के साथ प्रोफाइल आइकन ग्रुप चैट के भीतर दिखाई देंगे जिससे यूजर्स के लिए अन्य ग्रुप मेंबर को अलग करना आसान हो जाएगा। प्रोफाइल आइकन फीचर उन कंडीशन में सहयोगी होगा जहां ग्रुप के मेंबर अपने नाम को शेयर करते हैं या प्रोफाइल पिक्चर सेट नहीं करते हैं। ऐसे मामलों में अगर किसी ग्रुप के मेंबर ने प्रोफाइल फोटो अपलोड नहीं की है या इसे छुपाने के लिए चुना है तो WhatsApp एक डिफॉल्ट खाली प्रोफाइल पिक्चर डिस्प्ले करेगा। डिफॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर एक रंग होगा जो कॉन्टैक्ट के नाम से मेल खाता है। फीचर एंड्रॉइड बीटा टेस्टर के लिए उपलब्ध है और जल्द ही सभी एंड्रॉइड WhatsApp यूजर्स के लिए रोल आउट होने की उम्मीद है। बीते दिन मैंने पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत सिंह, राम रवि मांझी, प्रमोद राम, अमित कुमार, उमेश श्रीदेव, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, नन्हे कुमार, नौशद अंसारी, रनेश राम, पीके पासवान, प्रयाग सिंह, राजकिशोर महतो, मोहम्मद अफजल मंसूरी, गौरव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार सीएम नीतीश के द्वारा प्रत्येक सोमवार को आयोजित की जा रही जनता दरबार बिहार के लोगों के लिए कितना फायदेमंद है? अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।